सबको आज की टेक्निकल सेशन का दूसरा सत्र में वेलकम करता हूं। पहले धन्यवाद देता हूं बिहार पोल्ट्री यानी अकोआ एक्सपो ऑर्गेनाइजर को मुझे यह आप लोगों के सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और धन्यवाद देता हूं मेरा स्पॉन्सर प्रोवेट फार्मा को जो मुझे यहां बुला के लेके आए। आज का सब्जेक्ट, अभी मेरा जो सब्जेक्ट है, मेरा प्रेजेंटेशन इधर स्क्रीन में इंग्लिश में होगा, मैं कोशिश करूंगा हिंदी बोलने का। हिंदी मेरा मातृभाषा नहीं है लेकिन चला लेता हूं, उम्मीद करता हूं आप लोगों से हिंदी में बातचीत कर पाऊंगा पूरा। जो आज लेयर फार्मर यहां जो लोग होंगे उनका रोज का समस्या, सिर्फ उनका नहीं पूरा हमारे देश में ये समस्या है, वही समस्या के ऊपर बात कर रहा हूँ। जो अभी बोला है कि अंडा का छिलका एक सेल क्वालिटी और प्रोडक्शन परसेंट दोनों जुड़ा हुआ है। अगर अंडा का छिलका खराब हो रहा है मतलब आपका अंडा का नंबर पहले ही खराब हो चुका है तभी छिलका खराब हो रहा है। इसी के ऊपर डिस्कशन मैं शुरू करता हूँ। आज जो सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे वो है पुअर एग वेट, मतलब अंडा छोटा हो रहा है जिसको हम पुलेट एग बोलते हैं। डिहाइड्रेटेड अंडर वेट कालबर्ड, मतलब जब मुर्गी अंडा दे के थक जाते हैं बेचते हैं तब इतना छोटा साइज जितना सूखा होता है वो सेल नहीं होता है ठीक से, वो 30-40 रुपया भी मिलता नहीं। एक सेल डिफॉर्मिटी, मतलब अंडा छिलका का जो प्रॉब्लम, जो शेप कोई टेढ़ा मेढ़ा शेप होता है, ज़्यादा टूटा फूटा होता है, छिलका पतला होता है, लेदरी अंडा होता है, उसके बाद गंदा एक डाटी एक जिसका बोला जाता है उसमें ब्लड लगा रहता है, कुछ पिक्चर दे रहा हूँ, और अंडा का प्रोडक्शन कम होता है, रोज का कम और पूरा फ्लॉक मिला के कम आता है। इस बारे में आज डिस्कस करेंगे। ये कुछ पिक्चर देना हो फार्म का, ये हमारा समस्या का पिक्चर है, और आज सुबह का एक पिक्चर देता हूँ। पटना का एकदम बहुत अच्छा सा होटल में मैं रात को था, उस होटल में आज नाश्ता में अंडा मिला है, बॉयल एग मैं खाता हूँ डेली, वो अंडा दिखाता हूँ। ये इसमें कुछ किसी ने कुछ लगाया नहीं, वो साफ करने से नहीं जाता है, ऐसा नहीं कि वो बॉयल करते वक्त लग गया है कि प्लेट में कुछ लगा, ऐसा नहीं है। ये हरा कलर की प्लेट है, नमक में अंडा रखा होता है, देखिए नमक भी है। ये है हमारा समस्या। ये आज सुबह पटना का नंबर वन होटल का ब्रेकफास्ट टेबल में मेरा प्लेट में, इसी में बात करते हैं। हम समस्या का सोचते हैं, आज हमारे सामने जो चीक्स है उसका कितना ताकत है, कैपेसिटी कितना है जानते हैं क्या? ये है 490 अंडा दे सकता है, दिया है इंडिया में भी दिया है। अभी आपका टारगेट कितना है, आप कितना लेना चाहते हैं? ये सब्जेक्ट, ये 490 अंडा लेने के लिए आपको सवाल आएगा मन में, तो सर करना क्या चाहिए, क्या चाहिए चूजा को? चूजा तो सब एक ही जैसे होता है, उसको जो चाहिए वो लिख रहा हूं। ये है इंग्लिश में मैं बात करता हूँ। पहले बात बोलता है कंफर्टेबल स्ट्रेस फ्री हाउस एनवायरनमेंट, मतलब अभी जैसे यहाँ आप लोग बैठे हो, बाहर तो टेम्परेचर 36 है, इधर एसी है तो आराम से बैठे हो, आपके लिए कुर्सी सोफा सब रखा गया, कोई सो भी रहे थे, मतलब ये आराम का माहौल चाहिए। अपने लिए नहीं, अगर 490 अंडा लेना है तो मुर्गी को पहले दिन से 100 हफ्ता तक वो आराम का माहौल देना है। दूसरा डिजीज फ्री, बीमारी होगा तो कुछ बात ही नहीं करना है, तो डिजीज फ्री रखना ही है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, एसेसिबिलिटी ऑफ रिकमेंडेड फीड। अगर ये ब्रीड आपको बोलता है सर ये 490 अंडा देगा, तो आपका मुर्गी का दाना जो होगा वो भी तो 490 के बराबर होना चाहिए ना। आप अपना हिसाब से, आज मकाई सर 27 रुपया हो गया, हम 100 किलो मकाई घटा के
चावल दे दिए 100 किलो, हो गया किस्सा खत्म। तो आप तो अपना हिसाब से चल रहे हो, आप तो मुर्गी को जो चाहिए उसी हिसाब से नहीं चल रहे हो, तो मुर्गी भी अपना हिसाब से अंडा देगी। उसके बाद सेफ ड्रिंकिंग वाटर सब जानते, पानी शोधन किया हुआ होना चाहिए 24 घंटा। हेल्थ मैनेजमेंट स्पेशली गट हेल्थ, हम इसके ऊपर बात करेंगे। मुर्गी का स्वास्थ्य शुरू से लास्ट तक अच्छा रखना है, स्पेशली पेट का स्वास्थ्य। आज सुबह इसके ऊपर कुछ डिस्कशन हुआ है, फिर से बोल रहा हूँ। और लास्ट में मुर्गी को खतरनाक बीमारी से बचाना है, कैसे? वैक्सीनेशन और बायोसिक्योरिटी से, ये सब के ऊपर यही सब करना है, बस मुर्गी को इतना ही चाहिए। और इसके ऊपर अभी बात करेंगे। हमारे लेयर इंडस्ट्री में प्रॉब्लम क्या है? एक नंबर प्रॉब्लम अंडर वेट मुर्गी का, अंडा का नहीं मुर्गी का। मुर्गी चिक्स में अंडर वेट, ग्रोअर लेवल में अंडर वेट, जब अंडा में आता है 16-17 हफ्ता में, तब भी मुर्गी का वजन कम है, क्योंकि हम लोग लेयर मुर्गी को तभी सोचते हैं जब वो अंडा देना शुरू करते हैं, उससे पहले ध्यान नहीं देते। अपना फाउंडेशन जैसा मर्जी बना दिया, ऊपर 20 मंजिल मकान बना रहे हो, क्या होगा? थोड़ा सा भूकंप गया, और भूकंप मतलब हमारे यहाँ वायरस, वो तो है। पुलेट एक बोलते ना छोटा छोटा, सर 2.5 हफ्ता हो गया अभी भी अंडा हमारा सर 46-47 ग्राम है, सेल नहीं हो रहा है सर, ये अरे बिलो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है रोज का कम है, और लार्ज में फ्लॉक का भी कम। पीक प्रोडक्शन 95% पहुंचता ही नहीं सर, 95 नहीं देंगे। 90% प्लस प्रोडक्शन जो 40 वीक्स आना है नहीं आता है सर, हमारा सर 25 हफ्ता है। 80 हफ्ता के बाद मुर्गी थक जाता है और अंडा नहीं दे पाते, हमें सेल करना पड़ता है। लेकिन कंपनी तो बोला था सर 100 हफ्ता तक चलेगा, क्या झूठ बोला है कंपनी? नहीं, कंपनी ठीक बोला है, उसके अंदर वो ताकत है। इसके बाद डिहाइड्रेशन, मुर्गी जब सेल करते हैं वो मुर्गी डिहाइड्रेटेड, सूखा मुर्गी सेल नहीं होता है। डर्टी एग, गंदा एग, एग विथ ब्लड, फिर एग सेल डिफॉर्मिटी, लास्ट में प्रोलैप्स और डेली स्लो मोर्टैलिटी। कैसे? एग बाउंड, नहीं तो अंदर एग फूटा है, जिसको बोलते हैं एग पेरिटोनाइटिस। ये हमारे समस्या है पोल्ट्री इंडस्ट्री में। समस्या का समाधान क्या है सर? कोई शॉर्टकट नहीं है, और इसका कोई मेडिसिन होता नहीं। सुनने में बहुत बड़ा बात, वही बोल रहा हूँ, बायोसिक्योरिटी वो बिजनेस का एरिया है, उसको बिजनेस जैसे रखिए। विजिटर्स, लोगों को घूमने का जगह वो नहीं है, बस बिजनेस हिसाब से सोचिए। अपना एक दुकान होते तो अंदर किसको बुलाते? कस्टमर तो भगवान होता है, फिर भी उसको अंदर बुलाते हैं क्या? जहाँ आपका कैश है, जहाँ हिसाब है, फार्म में क्यों बुलाते? ऐसा कोई है जो बोल सकता है उसके शरीर में वायरस नहीं है? मैं तो नहीं बोल सकता हूँ, 40 साल पोल्ट्री में काम करने के बाद भी नहीं बोल सकता हूँ। आपका फार्म में कोई भी आता है, फ्री में वायरस देखे जाता है। उसके बाद चीक ग्रोअर मैनेजमेंट एंड यूनिफॉर्मिटी, ये बहुत बड़ा बात है। चीक ग्रोअर फाउंडेशन, जो मकान बनाने से पहले जमीन के नीचे जो बनाते हो ना, वो बनाना है। चीक ग्रोअर मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, मुर्गी का दाना किस हिसाब से होगा, हिसाब एक ही, मुर्गी का एज, उसका प्रोडक्शन, उसका बॉडी वेट, और कोई हिसाब नहीं। अगर मकाई का रेट के हिसाब से होगा तो आप अल्लाह भरोसे गाड़ी चला रहे हो। आपको मुर्गी का जरूरत के हिसाब से उसका एज, उसका बॉडी वेट,
उसका प्रोडक्शन के हिसाब सबको दाना देना है, जो ब्रीड का गाइडलाइंस है वो देना है। एक देखिए ये टारगेट है आपका मुर्गी का, एज 6 हफ्ता है, 400 ग्राम वेट होना है, नहीं हुआ है तो आप पीछे है। 10 हफ्ता 750 ग्राम वजन होना है, और अंडा में जब आता है 16 हफ्ता खत्म 1.1 kg, नहीं तो ये फ्लॉक आपको कुछ देगा नहीं। अगर वो 1 kg है तो आप प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम देखते जाओगे लास्ट तक, वो 100 वीक तक पहुंचेगा ही नहीं। पहले बात ये बॉडी वेट टारगेट, तो ये आपको चीक ग्रोअर मैनेजमेंट में होता है, हेल्थ मैनेजमेंट स्पेशली गट हेल्थ, पेट का स्वास्थ्य और डिजीज कंट्रोल इंक्लूडिंग सब क्लिनिकल, मतलब डिजीज मतलब मोर्टेलिटी ना, बीमारी मतलब और कुछ है बात करते हैं। लेयर का जो मुर्गी का जो लाइफ का स्टेज है उसको चार स्टेज में डिवाइड किया गया है, और उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। पहले चिक स्टार्टर स्टेज 6 हफ्ता तक, जहां मुर्गी का पाचन तंत्र तो डाइजेस्टिव सिस्टम और इम्यून सिस्टम पूरा तैयार हो जाता है, बाकी सिस्टम शुरू होता है लेकिन ये दोनों पूरा तैयार होता है। उसके बाद जो पुलेट स्टेज मतलब प्रोडक्शन से पहले, चिक के बाद प्रोडक्शन से पहले उस टाइम मांसल और बोन ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। उसके बाद आता है ट्रांजिशन फेज मतलब प्रोडक्शन शुरू हुआ है, जिस टाइम बोन मतलब हड्डी रिप्रोडक्टिव सिस्टम और पेट में थोड़ा सा फैट आता है एब्डोमिनल फैट, वो फैट बिना प्रोडक्शन में नहीं आएगा, ये सब का डेवलपमेंट मतलब ये पूरा बनता है। और उसके बाद आता है एक्सटेंडेड साइकिल मतलब प्रोडक्शन लेते जाओ, अगर ये तीनों ठीक ठाक है तीनों स्टेज तो आपका प्रोडक्शन के लिए आगे चिंता नहीं है। आज की लेयर इंडस्ट्री में चैलेंज क्या है, देखिए हमारे इंडस्ट्री का हम लोग क्या बेचते हैं, बहुत कुछ खरीदते, बेचते तो अंडा, सबको अंडा ज़्यादा चाहिए, तो ज़्यादा अंडा चाहिए तो पहले बात तो मुर्गी ज़्यादा होना चाहिए, मतलब चूजा लिया था 10,000, मोर्टेलिटी कितना हो गया लास्ट में जब 100 हफ्ता तक, कितना है 9,000 तो होना चाहिए, वो अगर 8,000 हो गया तो आपको अंडा कहाँ से ज़्यादा आएगा। मोर्टेलिटी आपको कंट्रोल में रखना है, प्रोडक्शन में जब मुर्गी है तब 1,000 में 1 मोर्टेलिटी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। 10,000 का फार्म है वीकली मोर्टेलिटी 10 से ज़्यादा नहीं होना है, 10 से ज़्यादा है तो प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर से बात करो, समस्या है। अंडा बनता है जो ओवरी और ओविडक्ट बोलता है, एक कैनल जैसे होता है, उसका स्वास्थ्य बहुत जरूरी है क्योंकि अंडा वहीं बनेगा वहीं से निकलेगा। आप देखिए एक अंडा में जानते हैं 6.5 ग्राम प्रोटीन है, सब जानते हैं हम लोग, और एक अंडा का जो छिलका है उसमें 2.2 ग्राम 2.2 ग्राम प्योर कैल्शियम होता है, और कैल्साइट पाउडर बोलोगे तो 5.5 ग्राम एक अंडा में 2.2 ग्राम प्योर कैल्शियम। तो मुर्गी का न्यूट्रिशन उसका जो फीड उसमें ये ताकत होना चाहिए, उसको बचने के लिए जितना एनर्जी प्रोटीन वो छोड़ के वो 6.5 ग्राम प्रोटीन और 2.2 ग्राम कैल्शियम अंडा बनते वक्त खून में होना है, प्लस उसको वायरस गर्मी के साथ लड़ने के लिए एनर्जी, उसका ग्रोथ के लिए 30 हफ्ता तक उसका वजन बढ़ता है उसके लिए एनर्जी। तो मुर्गी का दाना में उतना होना चाहिए प्रोडक्शन, उसका बॉडी मेंटेनेंस, उसका ग्रोथ, उसको बीमारी के साथ लड़ने का ताकत, इतना एनर्जी प्रोटीन कैल्शियम दाना में होना है। तो दाना आज की ज़माने में कंप्यूटर ज़माने मोबाइल ज़माने में वो 100 किलो ये दिया 100 किलो वो दिया वैसे नहीं होता है, कंप्यूटर से होना है, ब्रीड जो बोला है उस हिसाब से कंप्यूटर से एनर्जी प्रोटीन कैल्शियम फॉस्फोरस देना है। एनर्जी आजकल देखिएगा प्रोटीन का रेट नहीं बढ़ रहा है, प्रोटीन पिछला 1.5 साल से सोयाबीन रेट फिक्स्ड है, लेकिन मकई का रेट चावल का रेट बढ़ते जा रहा है, लेकिन पोल्ट्री में देखा गया है कितना भी रेट बढ़े
आप अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे तो मुर्गी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, वो रिटर्न देता है, आरओआई जिसको बोलते हैं। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज लिखा है, देखिए कैल्शियम कैल्साइट पाउडर कितना, 3 रुपए किलो, सबसे सस्ता फीड इंग्रेडिएंट्स कैल्साइट पाउडर 3 रुपए किलो, लेकिन सबसे कठिन है उसको हजम करना, है तो पत्थर, उसको हजम करके खून में अंडा प्रोडक्शन के जो 25 घंटा टाइम है उस टाइम वो 2.2 ग्राम कैल्शियम वहां रहना, ये बहुत कठिन है। ये ऊपर वाले क्या कहला है, सस्ता को कठिन काम, सबसे सस्ता आइटम, उसी को मैं प्रेजेंट करता हूं एक जगह, तो अंडा लेयर इंडस्ट्री में प्रॉब्लम, बॉडी वेट लो, लो एक प्रोडक्शन, छोटा अंडा, प्रोलैप्स मोर्टालिटी एंड एग सेल क्वालिटी, यही 5 इश्यू है। अगर इस 5 इशू को एड्रेस करना है, हमें एड्रेस करना है, इसको संभालना है, कैसे तभी एक प्रोडक्शन ठीक होगा, करना है 2 ही चीज, पूरा 2 सब्जेक्ट है, एक है फीड एंड न्यूट्रिशन, दूसरा डिजीज कंट्रोल एंड हेल्थ मैनेजमेंट, इसके बाहर कुछ नहीं है। हम इसी दोनों जगह पे कंप्रोमाइज, जाने अनजाने कंप्रोमाइज करते, गलती करते, इसके ऊपर आगे बात करते हैं। एग वेट, अंडा का वेट किसके ऊपर निर्भर करता है, क्या क्या चीज के ऊपर अंडा वेट आता है, अब देखिए क्या क्या सब्जेक्ट है, पहले बात है जेनेटिक्स, मतलब कौन सा ब्रीड, वही 30-40% बोल देता है आपका अंडा का वजन कितना होना चाहिए, मुर्गी का एज, बॉडी वेट, न्यूट्रिशन, स्ट्रेस, लाइटिंग, माइकोटॉक्सिन, डिजीज, आपका मैनेजमेंट, हस्बेंड्री प्रैक्टिस, गट हेल्थ, फीड अमाउंट, फीडिंग टेक्निक, टेम्परेचर, इतना सारे सब्जेक्ट है अंडा का साइज एग वेट के ऊपर। फीड क्वांटिटी और फीड कैसा होगा, वो ब्रीड जैसे बोला है उस हिसाब से एज, बॉडी वेट और प्रोडक्शन का नजर में रखते हुए आपको बढ़ाना है। कोई भी रॉ मेटेरियल, बहुत लोग बोलते हैं सर ये इस्तेमाल कर सकता हूं, कोई भी रॉ मेटेरियल यूज हो सकता है अगर उसमें टॉक्सिन लेवल कंट्रोल के नीचे है तो। बहुत रॉ मेटेरियल लोग बोलते हैं यूज कर सकते हैं, सब हो सकता है लेकिन टॉक्सिन लेवल कंट्रोल में होना है। दूसरा, वो रॉ मेटेरियल फीड फॉर्मुलेशन का सॉफ्टवेयर उसको मानता है कि नहीं, मतलब आप उसको सॉफ्टवेयर में दिए सॉफ्टवेयर उसको लेता है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू कितना और उसका कॉस्ट कितना उस हिसाब से लेगा, मतलब उसमें एनर्जी उसके अंदर कितना एनर्जी है उसका दाम कैसा है, मतलब एनर्जी कैसे कितना करके एनर्जी का खर्चा लग रहा है, और वो उसके सामने मकाई का, मकाई में एनर्जी ज़्यादा है दाम भी ज़्यादा है, तो कौन सा उस दोनों का तुलना में जो सस्ता है सब कंप्यूटर वही लेता है तो वही इस्तेमाल होगा। अगर कंप्यूटर नहीं लेता है तो जबरदस्ती नहीं डाल सकते। गट हेल्थ, पेट का स्वास्थ्य, क्योंकि पेट ठीक नहीं तो आप कितना अच्छा फीड दो वो बाहर चला जाता है, पहली बात। दूसरा तो और भी मामला है, लेकिन आपका फीड बाहर जाता है, मतलब आपका टैंकी में लीक है, पेट्रोल 106 रुपया, सोचो मत, पहले टैंकी का लीक ठीक करो। मुर्गी का टारगेट बॉडी वेट, ये बॉडी वेट टारगेट देखिए, अगर यहाँ आपको मुर्गी का जैसे ब्रॉयलर में लोग हर हफ्ते बॉडी वेट लेता है, मुर्गी लेयर में भी लेना है, ये टारगेट आपको पहुंचना है। थोड़ा सा लेट है तो डॉक्टर से बात कीजिए, न्यूट्रिशन आपका जो फीड फॉर्मुलेशन देता है उनसे बात कीजिए, वो संभाल लेगा। एक सवाल आता है मुर्गी को दाना कितना ग्राम दिया जाए, कोई बोलता है 100 ग्राम सबसे ज्यादा, कोई बोलता है 120 ग्राम। मेरा एक्सपीरियंस बोलता है 120 ग्राम साल भर का हमारे जो क्लाइमेट है, साल में 5-6 महीना खा ही नहीं पाता है। 100 ग्राम वो मुर्गी विंटर में मुर्गी को सेटिस्फेक्शन नहीं आता है, तो बीज वाला रास्ता 110 ग्राम हायर बेटर है। तो आपका फॉर्मूला जो होना है
110 ग्राम का टारगेट, जैसे 30-31 सप्ताह में मुर्गी 110 ग्राम खाएगा, उस हिसाब से फॉर्मूला बनाइए। फीडिंग फेज कितना टाइप का फीड होगा, देखिए पहले आज से हम लोग जब पोल्ट्री शुरू किए थे तो दो ही फीड होता था, एक अंडा देने से पहले एक अंडा देने के बाद। आजकल 8 फीड है, स्टार्टर, ग्रोअर, डेवलपर, प्री ले, अब लेइंग में लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4। अगर आपको 100 हफ्ता तक जाना है, आपको 480-90 अंडा लेना है तो 8 फीड चाहिए, क्योंकि हर फीड में एनर्जी, प्रोटीन, कैल्शियम का फर्क होता है, वो एज के साथ, प्रोडक्शन के साथ अलग हो जाता है, कुछ चीज़ घटता है, कुछ चीज़ बढ़ता है। हम लोग एक कॉमन मिस्टेक कर लेते हैं, लेयर 1 का फीड जो 30 हफ्ता तक चलना चाहिए उसको हम चला लेते बहुत ज़्यादा, 40-50 तक, क्या होगा उसमें, उसमें जितना कैल्शियम है वो आपका 95 में नहीं पहुंचे, 95 पकड़ के रख नहीं सकता है, कैल्शियम परसेंटेज बढ़ता है, बाकी एनर्जी प्रोटीन थोड़ा घटता है। आपका फीड 4 किस्म का फीड करोगे लेइंग स्टेज में तो आपका फीड का खर्चा कम होगा, क्योंकि हर लेवल में अलग होता है। इसलिए कभी भी किसी का सुने वो पहले करते थे, पहले का जमाना भूलिए, आज के जमाने, आज जो चीज आपको मिला है उसका सोचिए। आज सब्जेक्ट का एक हिस्सा था ना एक्सेल क्वालिटी, एक्सेल क्वालिटी किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, क्या क्या पॉइंट एक्सेल क्वालिटी को अफेक्ट करता है, ये सब देखिए। एक्सेल क्वालिटी है जेनेटिक्स, मुर्गी का ब्रीड 20% है, अंडा का छिलका कैसा होगा वो ब्रीड बोल देता है 20%, हर ब्रीड का अलग अलग है कुछ। फिर मुर्गी का एज बहुत इंपॉर्टेंट है, एज के हिसाब से लास्ट एज में अंडा थोड़ा पतला होता है। न्यूट्रिशन जैसे फीड दोगे ऐसी होगा, एनवायरमेंट, टेम्परेचर के ऊपर, बॉडी वेट के ऊपर, टॉक्सिन, डिजीज, लाइटिंग, यूनिफॉर्मिटी, आपका मैनेजमेंट प्रैक्टिस, गट हेल्थ और सबसे बड़ा बात स्ट्रेस और तनाव, ये सारे फैक्टर मायने रखता है अंडा का छिलका का क्वालिटी के ऊपर, एक सेल क्वालिटी। एक बस एग्जाम्पल, जैसे 8 किस्म का जो लेयर का फीड होता है, स्टार्टर, गोआ, डेवलपर, प्री ले, लेयर 1, 2, 3, 4, इसमें देखिए सिर्फ कैल्शियम में जाइए, चिक्स में तो 1% कैल्शियम होता है, 1.05, और एकदम 80 हफ्ता के बाद वो कैल्शियम लगता है 4.5%। अब लेयर 1 और लेयर 4 में देखिए 4%, 4.5%, तो लास्ट में अब 4% वाला दोगे तो अंडा कहाँ से आएगा, वो 2.2 ग्राम कैल्शियम कहाँ से मिलेगा। मुर्गी जितना एज बढ़ता है कैल्शियम हजम करने का क्षमता कम हो जाता है, इसलिए ज़्यादा देना होता है। अब देखिए एनर्जी, देखिए जब अंडा प्रोडक्शन में आता है मुर्गी उसको 2650 लाख को, आज मकाई के इतना दाम है, आपका तो फीड का प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा। लेयर 1 और लेयर 4 में फीड प्रोडक्शन कॉस्ट आज की डेट में 70-80% कम होना चाहिए। एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ऐसी फीड होना है। मेजर चैलेंज इज गट हेल्थ, क्योंकि पेट से सब कुछ हजम होकर ब्लड खून में जाएगा, तब वहाँ अंडा, वहाँ से ओवरी में जाके अंडा बनता है, अंडा का छिलका। तो इसमें अगर आपका पेट खराब है मुर्गी का तो क्या होता है, कैसे प्रॉब्लम होता है अंडा प्रोडक्शन में, पेट खराब मतलब विटामिन डी जो आपका फीड में है वो एब्जॉर्ब नहीं हो, खून में पहुँचता नहीं, विटामिन डी नहीं पहुंचा है तो कैल्शियम फास्फोरस नहीं पहुंचेगा, क्योंकि विटामिन डी बिना कैल्शियम फास्फोरस कुछ नहीं, कोई काम का नहीं है, वो एब्जॉर्ब होगा ही नहीं। आप दाना में खिलाओगे प्लेटिन के साथ निकल जाएगा, बीट के साथ, और कैल्शियम फास्फोरस नहीं गया तो अंडा का छिलका कहाँ से बनेगा, छिलका नहीं बना है, एक सेल अच्छा नहीं है तो आपका अंडा पहले नंबर कम हो गया, अंडा कम हो रहा है फिर अंडा का छिलका भी खराब हो रहा है। ये
इसको पिक्चर में देखोगे तो ऐसे ही पिक्चर होता है, पहुंचता है लेकिन। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर पेट खराब है तो अंडा गंदा आता है, डाटी एक जिसको बोलते हैं, अंडा में प्लेटिन लगा रहता है, कभी खून लगा होता है क्योंकि पेट खराब चल रहा है। और सबका कारण इंपॉर्टेंट इज गट हेल्थ, कि पेट का समस्या। अब हम थोड़ा सा गट के ऊपर, गट क्या है, गट मतलब इंटेस्टाइन, जो पेट का है, पेट है कि कनाल जैसे नाली है, इस तरह कनाल है, वो जो लास्ट में ब्लैक पिक्चर, उसमें ये अंगुली जैसे करोड़ों बिलाई रहता है जो सबको सूझता है, खून में पहुंचता है, हजम के बाद उसको खून में पहुंचाता है। अगर ये जो पेट है ना मुर्गी का इंटेस्टाइन, ये सिर्फ 5.5 फुट का लंबाई होता है, और मुर्गी दाना खाया और बीट हिसाब से निकालना है, इसका टाइम गैप है 3.5 घंटा, 3.5 घंटा और 5.5 फुट, आपको इसी में खेलना है। दाना कितना भी महंगा हो, अगर हजम नहीं हुए तो बाहर चला गया। अब मजाक से बोलते ना, क्रिकेट में विराट कोहली को तो सब जानते हैं, वो खेलता है 22 गज यार्ड जो बोलते हैं ना, 66 फीट होता है, तो 5.5 फीट में खेलते हैं वो, सॉरी 66 फीट मतलब 5.5, उसको 66 फीट में खेलते हैं, हम लोग खेलते 66 इंच में, 5.5 फीट मतलब 66 इंच, आपको खेलना है 66 इंच में, विराट कोहली खेलता है 66 फीट में, समझ लिया, इतना छोटा 3.5 घंटा। देखिए हजम करने का जगह 1.5 से 2 घंटा सिर्फ हजम के जगह है, ये लाल से है, मुर्गी का जो परवल जैसे जो पोवेंटिकुलस होता है, गिजार्ड होता है, और इंटेस्टाइन का पहला पार्ट यहाँ पे दाना पचता है, वो सिर्फ 1.5 से 2 घंटा, वो जगह सही नहीं है तो दाना भीट के साथ बाहर, अन्ना कहाँ से आएगा, पेट का स्वास्थ्य, इंटेस्टाइन गार्ड क्या काम करता है, एक तो हजम करता है, एक इम्यूनिटी देता है, मुर्गी का इम्यूनिटी का 70% इम्यूनिटी गट में होता है। अगर मुर्गी पेट खराब है तो आगे कौन कौन बीमारी आएगा, आप कागज और पेन लेकर तैयार रहिए, एक के बाद एक आएगा, क्योंकि जो भी कीटाणु मुंह से दाना से अंदर जा रहा है उसको खून में जाने का रास्ता खोल रहा है, क्योंकि मुर्गी का वो जो ये बीमार वो जगह डैमेज है तो वहाँ से अंदर जाएगा। अब और तीसरा असली बात है मुर्गी का, सभी का, हम लोगों का भी पेट का अंदर का जो गट और उसका जो लेयर होता है वो BSF जैसे काम करता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो किसी भी कीटाणु को, किसी भी वायरस को, बैक्टीरिया को अंदर जाने नहीं देता है, वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, पहला लाइन डिफेंस का है ये गट होता है। एक पिक्चर है देख लीजिए, 4 लेयर ऑफ प्रोटेक्शन होता है इंटेस्टाइन में, पहले होता है एक म्यूकस, पानी जैसे चिपचिपाहट हमारे मुंह में जैसे होता है ना, चिपचिप करता है वो, अंदर में एक ओ लेयर होता है, उसके बाद होता है हेल्पफुल बैक्टीरिया जो प्रोबायोटिक बोलते लोग, मदद करने वाले कुछ बैक्टीरिया होता है, करोड़ों सबका शरीर में है, पहले म्यूकस लेयर एक पानी जैसे, उसके बाद बैक्टीरिया का लेयर, उसके बाद टाइट जंक्शन जो कोष, वो जो भिलाई सेल्स है, सेल के बीच में वो देखिए ना टाइट जंक्शन बना हुआ है, अंदर नहीं जा सकता है, उसके नीचे है इम्यून सिस्टम, 4 लेयर प्रोटेक्शन है, इसीलिए हम लोग सब हेल्दी रहते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ, मेरे मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस जा रहा है, बीमार क्यों नहीं पड़ता हूँ, ये 4 लेयर ठीक है, इसलिए 4 लेयर डैमेज होगा तो कीटाणु अंदर जाता है, और डैमेज होगा तो बस अंडा आपको नहीं मिलेगा क्योंकि फीड बाहर जाता है। इसका इम्पोर्टेंस इसीलिए बोल रहा हूँ, गट हेल्थ का मतलब ये 5, मुर्गी का स्ट्रक्चर ठीक होना है, वो म्यूकस लेयर ठीक होना है, प्रोबायोटिक है, मदद करने वाले बैक्टीरियल पॉप पूरा होना है, मतलब उसका वैरायटी और उसका नंबर, फिर टाइट जंक्शन ठीक होना है, और गट का इम्यून सिस्टम भी सही होना है। ये एक पिक्चर देखिए, यहाँ मुर्गी का जो गट है इंटेस्टाइन, उसका pH देखिए, सब 7 से नीचे है, 7 से नीचे है,
तो हमें पानी उस हिसाब से देना है कि पीएच ठीक रहे। गट क्यों खराब होता है? पोर गट हेल्थ का कारण देखिए क्या क्या है। ब्रूडिंग इंक्यूबेशन भी होता है, पानी के चलते होता है, फीड के चलते होता है, फीड में टॉक्सिन हो, टॉक्सिन बहुत कम है, वो लीवर किडनी कुछ खराब नहीं कर रहे, लेकिन इंटेस्टाइन के ऊपर का लेयर को खराब कर दिया, तो हजम नहीं होगा, वो दाना बाहर चला जाएगा, थोड़ा सा माइकोटॉक्सिन जो पता नहीं चलता, पकड़ा नहीं जाता है, सब लोग मान लेते इतना तो चलता है लेकिन दाना बाहर जाता है। उसके बाद न्यूट्रिशन में अगर कंट्रोल नहीं है तो फिर स्ट्रेस तनाव, दो स्ट्रेस है, एक समर विंटर का जो सीजन का स्ट्रेस और एक प्रोडक्शन का स्ट्रेस। प्रोडक्शन का स्ट्रेस तो हमें चाहिए क्योंकि हमें तो ज़्यादा अंडा चाहिए, तो ज़्यादा स्ट्रेस होगा, तो स्ट्रेस में गट खराब होता है। और सबसे ज़्यादा गट खराब होता है बीमारी से, 60% का ऊपर पेट खराब का कारण बीमारी, कौन सा नहीं है, बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा सब। आपका खबर के लिए बोलूं, अच्छा आगे चलिए आगे बोलता हूं मैं थोड़ा, अगर पानी खराब हो तो गट का ऊपर का लेयर खराब होता है, फिर बाहर चला जाता है, उसको लीकेज बोलते हैं। थोड़ा ज्यादा होता है तो हम डिसबैक्टीरियोसिस, मतलब वो क्या बोलते हैं, फटा हुआ दूध जैसे उस तरह लट्टी निकालता है तो उसको डिसबैक्टीरियोसिस बोलते हैं, वो पानी के चलते होता है। पानी खराब होने से इंटेस्टाइन का अंदर का लेयर में, गट का लेयर में इरिटेशन होता है, तो लीवर से जूस कम निकलता है, हजम कम होता है, इसको हम लीकी गट बोलते हैं। उसमें उसका रिएक्शन में ये जो अंदर में नीचे जो इम्यून सिस्टम है वहाँ से बहुत ज़्यादा पानी निकाल के वो पॉइजन को जो टॉक्सिन निकला है उसको बाहर करना चाहता है, उसमें लीकी गट, और वो लीक होने से अब जो बैक्टीरिया जो वायरस अंदर रोज जा रहा है उसके अंदर जाने का मौका मिलता है, इसको हम डिसबैक्टीरियोसिस और लीकी गट बोलते हैं। ये किसी एक कंपनी का सर्वे है माइकोटॉक्सिन के ऊपर, DSM का नाम सभी लोग सुने होंगे, 2022 में ये पूरा इंडिया में 524 फीड सैंपल टेस्ट किया था, उसमें ब्रॉयलर फीड, लेयर फीड, ब्रीडर फीड, सब फिनिश फीड। मजा की बात और दुख की बात, 100% में टॉक्सिन था, 100% 524 में 524 में टॉक्सिन था, और उसमें 95% में एक से ज़्यादा टॉक्सिन, सिर्फ 5% में एक टॉक्सिन। सो बिना टॉक्सिन वाला फीड हमारे पास है ही नहीं सर जी, है नहीं, इनका पब्लिश डेटा है, मैं तो नाम से दे रहा हूं। टॉक्सिन बाइंडर 40 रुपए किलो भी आता है, 300 रुपया किलो भी आता है, अब आपके ऊपर आप कौन सा दोगे, मुझे किसी का नाम नहीं लेना है, आप मुर्गी आपका है आप सिलेक्ट करो। जितना सारे माइकोटॉक्सिन है सभी एक काम करते हैं, डाइजेशन मुर्गी का हजम करने का क्षमता कम कर देता है, लीवर का क्षमता कम करता है, इन्फेक्शन पैदा करता है, क्योंकि एक चीज़ है नीचे लिखा है देखिए, आज मुझे एक कोई भी लेयर ब्रीडर ब्रॉयलर फार्म में ले जा सकते हैं जहाँ मुर्गी का बीट ठीक हो, अभी मैं चैलेंज कर रहा हूँ सबको, ले चलिए मुझे कोई एक फार्म में जहाँ बीट ठीक ठाक है, नहीं है, ओपन बोल रहा हूँ, कोई बोलिए, चलिए फार्म में सब मुर्गी का बीट ठीक ठाक है, सब बीट ढीला है, पानी ज़्यादा है, फिर बाहर आ रहा है, इससे बाहर आना है, आप दाना सब हिसाब से दिए 15% बाहर जा रहा है तो 15% अंडा भी तो ऐसे देखिए, मुर्गी काटते हुए कभी मुर्गी का जो पोवेंटिकुलस है जिसको हम परवल जैसे जहाँ हड्डी का रानी के दोनों से ब्लड दिखता है ना, वहाँ पे दाना का भी चिपचिप और एकदम जैसे ग्रेवी जैसे बन गया, हाई NSP, बहुत ज़्यादा फाइबर, NSP वाले फीड दिए आप, चावल ये सब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए, एंजाइम सही नहीं दिए, तो क्या होगा, मुर्गी का अंदर का जो एंजाइम है वो काम नहीं कर पाएगा, हजम नहीं होगा, फीड बाहर जाएगा, ये जो है ये उस तरह फीड, ये हजम नहीं होगा,
क्योंकि वो एंजाइम वहाँ पहुँचता नहीं, अंदर में जाके फीट थोड़ा ज़्यादा पानी में घोल के डाइल्यूटेड हो जाता है। एंजाइम मुर्गे का शरीर का अंदर जो एंजाइम है वो ठीक से काम नहीं कर पाता है क्योंकि डाइल्यूटेड हो गया। आप चावल खाते वक्त, इसलिए घर में बोलता है ना, खाना खाते वक्त ज़्यादा पानी मत पिया करो, खाने का आधा घंटा बाद पानी पियो। बुजुर्ग लोग बोलते हैं क्यों, एक ही कारण है कि आप एंजाइम को डाइल्यूट मत करो, उसको अपना काम करने दो। ये गर्मी के टाइम मुर्गी ज़्यादा पानी पीने से ये समस्या होता है। इसलिए गट हेल्थ प्रॉब्लम वेरी कॉमन इन समर, और आज मुर्गी में मेटाबॉलिक डिजीज बहुत ज़्यादा है। क्यों जानते हैं, मुर्गी वही है, पहले हम 270 अंडा लेते थे, अभी 380 सोच रहे हैं। वही मुर्गी, वही लीवर, वही किडनी, तो उसके उसके उससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो गया, वो तनाव में है। इसलिए मेटाबॉलिक डिजीज, शरीर का वही मशीन है, वो काम नहीं कर पा रहा है। बीमारी क्या है, हम बीमारी मतलब मोर्टालिटी नो, बीमारी मतलब ठीक नहीं लग रहा है। कभी होता है ना, हमको ठीक नहीं, सुस्ती लग रहा, आज रोटी एक खा के सो गया, काम करने का हिम्मत नहीं है। मुझे परसों हुआ था, कहीं टूर के बाद रेस्ट लिए, कुछ काम नहीं कर पाए, यही बीमारी। बीमारी में एक चीज़ कॉमन होता है, काम करने का ताकत कम हो जाता है। और पोल्ट्री में, पोल्ट्री में बीमारी मतलब प्रोडक्शन कम, ब्रॉयलर में वजन कम, लेयर में अंडा कम, कोई भी बीमारी कैसा भी बीमारी से मुर्गी ऑलवेज प्रेशर में है। क्लिनिकल और सब क्लिनिकल बीमारी, ये कुछ बैक्टीरियल डिजीज बीमारी का पिक्चर दिखा रहा हूँ, जो बैक्टीरिया से होता है, नेकोटिक एंटाइटिस टाइप, ये सब हम मेरा हाथ का पिक्चर है। ये बैक्टीरियल बीमारी, ये वायरस वाला एक चीज, सब आप लोग जानते हैं ना, रानी खेत आईबी कहाँ से शुरू होता है जानते हैं, माइकोप्लाज्मा, तीनों का शुरुआत पेट से होता है। हल्का सा बीमारी जब पैदा करते हैं सिर्फ मुर्गी, पानी प्लेटिन में पानी ज़्यादा होता है और कुछ नहीं होता है, मरते नहीं, तीनों बीमारी वहाँ से शुरू होता है। और इकोलाई का घर है इंटेस्टाइन, इकोलाई इंटेस्टाइन का बासिंदा है। तो ये रानीखेत, सांस का बीमारी, सब मत छोड़ जाइए, पेट से होता है। ये देखें, ये जो ये नीचे वाला पिक्चर, ये रानीखेत का साइन है, जिसका डॉक्टर लोग बाटन अल्सर बोलते हैं। वो वायरस कैसे, वायरस के इंटेस्टाइन कितना पतला हो गया, वो इंटेस्टाइन में दाना पचन होगा, डाइजेशन होगा कुछ। ये वायरस बीमारी का फार्म, ऐसा मुर्गी ऐसा लैट्रिन, या क्या डाइजेशन होगा, ज्यादा मोर्टालिटी नहीं, डेली 2-3-4 मोर्टालिटी, इस तरह मुर्गी जिंदा मुर्गी हो, जिंदा मुर्गी दिखा रहे हो, देखिए ना जिंदा मुर्गी का लैट्रिन बीट, देखिए ये पैरासाइटिक कोक्सीडियोसिस का बीमारी का, ये जिंदा मुर्गी काट के दिखा है, इस तरह बीट में बीट में जो फीट बाहर आ रहा है, कहां से वजन मिलेगा आपको। आज की सबसे बड़ा चैलेंज है, मतलब 60% प्रॉब्लम डिजीज के चलते, कारण हम लोग दुनिया का साइज नहीं बढ़ रहा, घटते जा रहा है, लेकिन आदमी की संख्या बढ़ते जा रहा है। तो हमें फूड ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, मतलब वही फार्म, आज मुझे वही फार्म से उतना ही मुर्गी से ज़्यादा अंडा चाहिए, ये चैलेंज है। इधर क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, उसमें नया नया वायरस आ रहा है, पुराना वायरस अपना कैरेक्टर चेंज करके और ख़तरनाक हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से मकाई का क्वालिटी खराब हो रहा है, वहाँ टॉक्सिन बढ़ते जा रहा है, टॉक्सिन बढ़ रहा मतलब इम्यूनिटी डाउन हो रहा है, दूसरा बीमारी आते जा रहा है। ये चैलेंज हमारे सामने, हमारे सामने दो चीज़ अच्छा है, एक मुर्गी का जात डेली आगे जा रहा है, ब्रीड बहुत अच्छा, जेनेटिक्स अच्छा हो रहा है, मुर्गी का दाना अच्छा बन रहा है, लेकिन तीन चीज़ नीचे, एक गर्मी, दूसरा टॉक्सिन, तीसरा वायरस,
ये तीनों भी बढ़ते जा रहे हैं। तो दो अच्छा तीन खराब, ये पांचों चीज रोज संभालना है आपको फर्म में। समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। रानीखेत हम सब लोग जानते हैं, रानीखेत में बहुत मोर्टेलिटी होता है, प्रोडक्शन ड्रॉप होता है, तेरे बार कमोन रानीखेत जानते हैं, वो नहीं बात कर रहा हूँ मैं। रानीखेत का बात करूँगा जिसमें कुछ रानीखेत होता है डेली आपका 10,000 का फार्म में 10-15 मोर्टेलिटी 15 दिन चलता है, लेकिन वहाँ देखिए क्या प्रोडक्शन एकदम ड्रॉप हो जाता है, कच्चा अंडा आता है। और एक टाइप का रानीखेत है, ये इस तरह बीट आएगा कोई सिम्टम नहीं दिखेगा आपका, 10,000 का फार्म में डेली 2-3 मोर्टेलिटी, मुर्गी काट के हम लोग देखते हैं अंदर रानीखेत है, वो बीट है, प्रोडक्शन खराब है और इस तरह अंडा आता है। जब मुर्गी का अंडा में काला ब्लड दिखाई देता है, सोच लीजिए अंदर रानीखेत का समस्या है। आप डॉक्टर से बात कीजिए, आपको वैक्सीन में कुछ करना है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट आईबी हम सोचते हैं ब्रोंकाइटिस, लेकिन आईबी होता है आज ओवरी में, ये टेरा मेरा एक, ये आईबी का साइन है। और आईबी में आपका अंडा जहाँ प्रोडक्शन ठीक नहीं होता है, देखिएगा कुछ मुर्गी नॉन लेइंग वाला मुर्गी होता है, 10 दिन लगातार पोस्टमार्टम करोगे एक आध मुर्गी मिलेगा जिसका ओवरी एकदम छोटा छोटा सरसुदाना जैसे है, ये 2-3% मुर्गी वहाँ रहता है, वो कभी मरते नहीं क्योंकि उसका कोई काम नहीं है, वो खाता है सोता है, वो बिल्कुल नहीं मरता है, 2% रह जाता है, कभी कभार मरता है, ये कभी आईबी में आईबी हुआ था उसको। ये सब से बचने के लिए प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज इज बायोसिक्योरिटी हम कर सकते, अगर करना चाहे तो चलो उसके बारे में क्या बात करें, इतना तो सिंपल हम कर सकते हैं। ये देखिए एक फार्म का व्हाइट वॉश कैसे, इवन सीलिंग तक व्हाइट होता है, खाली शेड मुर्गी चीख चाहने से पहले कैसे सैनिटाइज किया जाता है। वैक्सीन क्या करना है, ये पहले आपका जो डॉक्टर है लोकल डॉक्टर से बात कीजिए, वो आपको बताएगा कौन सा वायरस है, कौन सा स्ट्रेन है, कौन सा वैक्सीन अवेलेबल है, उस हिसाब से। वैक्सीन में मैं बाकी सब चीज़ जानता है, एक चीज़ बात करूँगा, वैक्सीन जो पानी वाला वैक्सीन देते हो ये डबल डोज में ना जाए, बेटर एम्प्टी पेट जब खाली आए तब पानी वाला वैक्सीन करो, 1.2 डोज बहुत है लाइव वैक्सीन, भरा जब पेट फूल है कफ फूल है पानी वाला वैक्सीन उतना इफेक्टिव नहीं होता है, इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ लाइव वैक्सीन में। बायोसिक्योरिटी का मतलब मुर्गी में जो नुकसान होता है बीमारी के चलते उसको रोकना है। सो असली है गट हेल्थ मैनेजमेंट, क्योंकि गट काम करता है डाइजेशन, इम्यूनिटी और प्रोटेक्शन फ्रॉम बैक्टीरिया, एंटी रोकता है। कैसे गट हेल्थ करना है, बिकॉज ऑल डिजीजेस सब बीमारी शुरू होता है गट से, ये मेडिकल साइंस का पहला पन्ना में लिखा है, सारे बीमारी का शुरुआत पेट है। कैसे करोगे, डिजीज कंट्रोल, स्वच्छ पानी, और पानी को ठीक करने के लिए एसिडिफायर, सैनिटाइजर, प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक, इम्यूनोवैल्यूटर लाइक प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक। अब टाइम ज्यादा ले लिया, मुझे बार बार बताया जा रहा है, लास्ट पेज है, टेक होम मैसेज, आज की डिस्कशन से हम क्या मैसेज लेके घर जाएंगे। डिजीज फ्री चिक्स हाउसिंग, स्ट्रेस फ्री, तनाव मुक्त परिवेश, मतलब मुर्गी को आराम का माहौल में रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन, फीड, उसका एज, बॉडी वेट, प्रोडक्शन, ये तीनों को दिमाग में रखते हुए ब्रीड जो बोला है उस हिसाब से न्यूट्रिशन करो। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटाइज होना चाहिए। हेल्थ मैनेजमेंट, साल भर
हेल्थ मैनेजमेंट पूरा पहले दिन से लास्ट तक करो, स्पेशली गट हेल्थ, क्योंकि वहीं से सारे इन्फेक्शन आता है और इन्फेक्शन ही सबसे बड़ा कारण है। और लास्ट पॉइंट इज डिजीज कंट्रोल थ्रू बाय मेडिकेशन, वैक्सीनेशन एंड बायोसिक्योरिटी। थैंक यू एवरीवन। मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसमें सारे वीडियो लोड होता है, पोल्ट्री का बहुत सारे वीडियो है, इस नाम से पोल्ट्री ट्रबल शूटर अंडरस्कोर विदत्तो, इसको आप जा सकते हो, यहाँ जाकर कोई सवाल भी पूछ सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कोई भी सवाल आता है 24 घंटे में उसका जवाब मिल जाता है, कोई भी वीडियो के नीचे आप पूछ सकते हो। थैंक यू एवरीवन।